नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में आपको दिखाते हैं खबर चंद्रनगर की, जहां चंद्रनगर ब्लॉक के रसोईया महिलाएं अपने वेतनमान को बढ़वाने के लिए जिला कलेक्टर के कार्यालय पहुंची, जहां एक आवेदन देकर उन्होंने अपनी मांग को प्रायिकता से रखा। रसोईया महिलाएं अपने वेतनमान को बढ़वाने के लिए जिला कलेक्टर के कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने ज्ञापन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि महीने भर में धुएं में रहकर खाना लकड़ियों के द्वारा इनके द्वारा बनाया जाता है व पूरे महीने यह काम करने के बाद उन्हें मेहनताना सिर्फ हर एक महीने में 1,000 रुपए ही दिए जाते हैं सरकार द्वारा, जिसमें महिलाओं ने अपना हक जताते हुए बताया कि आज की बढ़ती महंगाई में पूरे परिवार का तो छोड़ अपना ही खुद का खर्चा सिर्फ 1,000 का भी नहीं पूछ पाता है। इसमें सरकार द्वारा कई प्रकार के ज्ञापन भी जिला कलेक्टर को दिए गए हैं कि रसोइयों की वेतनमान को बढ़ाया जाए ताकि उनका और उनके पूरे परिवार का भरण पोषण सुखद और सुखमय निकल सके। दिन भर रसोइयों में और धुएं की आड़ में काम करती हुई यह महिलाएं अपने जीवन का तो यापन कर देती हैं, लेकिन शासन द्वारा इस प्रकार की राशि देने पर यह उदासी हो जाती हैं व पूरे महीने अपनी मेहनत करने के बावजूद सिर्फ इनके हाथों सिर्फ 1,000 रुपए ही हाथ लगते हैं। और हम लोग अपना मतलब वेतनमान बढ़वाने के लिए आए, 1,000 में खाना बनाते हैं, होता क्या है, ना बच्चों का पालन पोषण होता है और धुआं में आंखें फूटती हैं, लकड़ियों से खाना बनाते हैं, क्या चाहते हैं, परेशान है हम लोगों का पैसा बढ़ाया। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं खबर छतरपुर शहर की, जहां पर नेहरू युवा केंद्र में एक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजित किया गया। आपको बता दें, शहर के सिविल लाइन थाने के सामने स्थित नेहरू युवा केंद्र के कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक त्रिलोकीनाथ मिश्रा ने की। त्रिलोकीनाथ मिश्रा ने कहा कि अंकुरित विचारों को जब तक नया रूप नहीं दिया जाएगा तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा। इस पूरे मौके पर मुरैना के जिला युवा समन्वयक पवन दुबे, छतरपुर के जिला युवक समन्वयक अरविंदर सिंह यादव, महेश दुबे भी, चितरंजन चौरसिया सहित जिले के सभी विकास खंडों के नेहरू युवा साथी व मंडल पदाधिकारी मौजूदा रहे। त्रिलोकीनाथ मिश्रा ने कहा कि कुछ ऐसा करें ताकि आने वाली पीढ़ी को अपनी उपलब्धियां बताई जा सके। उन्होंने स्वच्छता अभियान पर जोर दिया व तभी जानकारी देते हुए गांव में पानी की जैसी बड़ी विकराल समस्याओं और पैसे नहीं आने की भी बातें रखी। इस तरह की बातें राजनीतिक हैं, यदि स्वच्छता अभियान को सफल बनाना चाहते हैं तो इसी जन आंदोलन को आगे भी लेकर सभी जनवासियों को लेकर चलना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा की भावना ही लोगों को आगे बढ़ाती है। इस पूरी बैठक में नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा समन्वयक अरविंदर सिंह यादव ने केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की भी जानकारी चर्चा में ली और मैं इस संदर्भ में एक विचार सभी युवा मंडल के अध्यक्षों से NYB से लिया और मैं खुद अपने संदर्भ में अपने नेहरू युवा केंद्र की गतिविधियों के संदर्भ में उनके साथ जानकारी शेयर किया। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि इन दिनों 2018 के चुनाव को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं भाजपा कार्यालय में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में प्रत्येक बूथ से भोपाल जाने के लिए कार्यकर्ताओं की टीम गठित की गई। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक जिला भाजपा कार्यालय में सम्पन्न हुई। भाजपा के मीडिया प्रभारी अरविंद बुंदेला ने बताया कि इस बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने को लेकर प्रत्येक पोलिंग बूथ पर अपनी टीम गठित की जाएगी। जिस बैठक में मुख्य रूप से राज्य मंत्री ललिता यादव, जिला बैठक में पूर्व सांसद जीतन सिंह बुंदेला, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह,
सहित तमाम भाजपा के कार्यकर्ता गण यहां पर मौजूद रहे और यहां पर एक निर्णय लिया गया जिसमें प्रत्येक बूथ से 20-20 कार्यकर्ता, जिला पदाधिकारी, मंडल कार्य समिति सदस्य, मोर्चा मंडल सहित तमाम पदाधिकारियों की यहां पर टीम गठित की जाएगी और यह भोपाल जाने के लिए इन लोगों को तैयार किया जाएगा। 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ताओं का महाकुंभ के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जिले के प्रत्येक बूथ से 20-20 कार्यकर्ताओं के जिला पदाधिकारी, मंडल कार्य समिति सहित मोर्चा प्रकोष्ठ सहित तमाम पदाधिकारियों की यहां पर मीटिंग ली गई और उनको 25 तारीख को भोपाल जाने को लेकर वहां पर बैठक की गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा ऐसा दल है कि सतत बैठक संगठन को लेकर चलती रहती है। हमारे बहुत से आगामी कार्यक्रम जो है उस बात को लेकर बैठक हो रही है, तो कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाता है आगामी कार्यक्रम जो जो हमारे संगठन ने दिए हैं, प्रदेश स्तर से जो जिले स्तर तक संगठन तक होते हैं काम, उसके लिए बैठक हुई और हमारा तो ये बैठक का रूटीन रहता ही, उसके तहत जिले की बैठक। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं विनोद मिश्रा। ये नजर डाल लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका के पास, यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम तेजपाल सिंह बताया गया है, यह व्यक्ति वहां पर किसी काम के लिए खड़ा हुआ था। उसी दौरान तेज रफ्तार में यहां पर टैक्सी चालक निकला और उसने दो लोगों को वहां पर रौंद दिया। हालांकि यहां पर तेजपाल सिंह जो कि 36 साल नगर निवासी है और साथ में एक पुलिस आरक्षक भी यहाँ महिला खड़ी हुई थी, उसी दौरान इसने टक्कर मार दी और टक्कर मारने की वजह से ये दोनों लोग वहां पर घायल हुए। हालांकि तेजपाल को ज़्यादा चोटें आई हुई हैं जिस वजह से उसे तत्काल ही जिला अस्पताल वहां पर ले जाया गया और जिला अस्पताल में वहां पर भर्ती करके इसका इलाज किया जा रहा है। ऑटो से कायम सब्जी ले रहे थे, सब्जी के बगल से जो ऑटो तेज रफ्तार से आई सी मान जी से पसुरियन को उसने चढ़ा दिया है सी ऑटो वाले ने, उसका नंबर जो है ऑटो वाले का। और कौन था उसके, और किसी टक्कर मारी? और एक प्लस की महिला थी श्रीमान जी, उसको भी लग गई है, तो वो जो है चली गई, अब जहाँ भी गई है अस्पताल। टैक्सी वाले को पकड़ा कि नहीं पकड़ा, रिपोर्ट लिखाई? हाँ हाँ, अभी नहीं लिखाई है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूँ सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। लगातार लूट जैसी वारदातों के मामले सामने आ रहे हैं, हम आपको ये मामला पूरा बता रहे हैं। ये खजुराहो का मामला है जहाँ पर खजुराहो और राजनगर के बीच में एक सोने के व्यापारी के साथ लूट हो गई। इतना ही नहीं, उसके साथ सोने चांदी के जेवरात भी ले गए और साथ ही ATM कार्ड और उसका पूरा बैग ले गए। हालांकि इस दौरान हमलावर जो थे कि वो अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर निकल गए, लेकिन पुलिस ने अपने कब्जे में मोटरसाइकिल ले ली है और इसके जरिए अब वह लुटेरों का पता लगा रही है। हम आपको बता दें कि कृष्णा ज्वेलर्स के प्रोपराइटर अशोक कुमार सोनी लगभग 10 बजे के करीब अपने घर राजनगर जा रहे थे, तभी दो लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर उनका पीछा कर रहे थे। उसी दौरान डंडे से हमला किया एवं गाड़ी रोककर बैग छीन लिया तथा पूरी तरह घायल कर छोड़कर निकल गए। इस घटना में घायल हुए अशोक सोनी ने बताया कि उनके बैग में लगभग 1 किलो चांदी तथा 30 ग्राम सोना, ATM कार्ड तथा चाबियां व जरूरी कागजात थे, जिसको लेकर लुटेरे भाग गए। इसी दौरान अशोक सोनी घायल हुए हैं, उनको सर पर भी चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, वो आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये कल रात करीब 9:30 बजे के आसपास की घटना है। अशोक सोनी रहता है महाराजपुर राजनगर में, उसकी सोने चांदी की दुकान यहाँ खजुराहो, दुकान बंद करके जा रहा था तो राजनगर के पास में उसका कहना है कि दो लोगों ने मुझे लाठी से और बट से मारपीट करके गिरा दिया और उसके थैले में करीब 0.5 किलो चांदी और 10 ग्राम के आसपास सोना रखा था, वो छीन कर भाग गया। उसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर तलाश पर फंसाने का प्रयास लगातार किया। कल रोज की तरह हम जो है खजुराहो से रानी से जा रहे थे, तो माता मंदिर के पास जो है दो लोग पीछा करते हुए और वो लाठी से वार किया हमारे ऊपर, गाड़ी से मोटरसाइकिल से दो लोग, और हम भी अपनी मोटरसाइकिल से सीढ़ी लग से तो वार करते हुए उन्हें हमें नीचे गिरा दिया। तो उसके बाद कट्टे से हमको जो है बट मारी आँख में और बैग लेके भाग गए। बैग में 1 किलो चांदी की करीब है ना, पहले तो 0.5 किलो हमने लिखवाया उसमें FIR में, लेकिन हमारी वो मैसेज बोली कि हमने 0.5 किलो का बैग था उसमें डाला था कि वहीं जाके वहाँ रख देना दुकान में, तो वो भी था उसमें, और लगभग 30 ग्राम करीब सोना था
और 3 ATM और पैन कार्ड और हमारी वो भोजनामचा और कार की चाबी और गोदरी वो तिजोरी की चाबी और दुकान की चाबी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डाल देंगे। अब पशु विभाग जो है पशुओं की गणना करेगा और एक हाईटेक तरीके से करेगा। हम आपको बता दें, पूरी जो गणना होनी है इस बार की अब कागजों में नहीं, अब टैबलेट के माध्यम से ये गणना होगी। हालांकि पशु विभाग सिर्फ गणना तक ही सीमित रह जाएगा, उसके बाद ही आवारा पशु जो शहर में घूम रहे हैं और घायल हो रहे हैं उनके और कोई भी ध्यान नहीं देगा। सिर्फ पशु विभाग का काम है सिर्फ गणना करवाना और कागजों में कार्रवाई करना। लेकिन आपको हम बता दें कि छतरपुर में ऐसे हालात बन चुके हैं कि जहां पर पशु घायल हो रहे हैं। पशु विभाग के उपसंचालक ने जानकारी देते हुए बताया है कि करीब 100 से अधिक डॉक्टर एवं पशु विभाग के कर्मचारी इस बार छतरपुर जिले की पूरी गणना करेंगे और जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश आएंगे कि किस तारीख से किस तारीख के बीच में गणना होनी है तो वह गणना करेंगे और टैबलेट के माध्यम से प्रत्येक घर घर तक जाएंगे और पशुओं की गणना टैबलेट में फीड करेंगे। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है और कर्मचारी प्रशिक्षित हो चुके हैं। उप संचालक राभेंद्र सिंह बघेल ने यह भी बताया है कि यदि कर्मचारियों की संख्या कम पड़ेगी तो वह गौ सेवकों की भी मदद लेंगे। इस 20वीं पशु संगणना में पूरी जो पशु संगणना का प्रारूप है वो परिवर्तित कर दिया गया है। जैसे पहले पशु गणना पेपर में हुआ करती थी, अब इसको टैबलेट में किया जाना है जी। इसमें ऐसा है कि जो जनगणना 2011 में हुई है उसको आधार मानते हुए जितने भी परिवार सर्वेक्षित हैं वो उन सभी गणना में लिए जाएंगे। हमारे जो प्रगणक हैं हर परिवार में पहुँचेंगे। हो सकता है किसी परिवार में पशु ना हो, वहाँ जानकारी निरंतर रहेगी और जहाँ पे जिस परिवार में पशु हैं उसको यथानुसार उसको एंट्री की जाएगी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। पेप्टिक टाइम पर लगातार नई खबरों का सिलसिला जारी है। छतरपुर विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। विश्वविद्यालय में 2 साल पहले हुई भर्ती पर सवाल उठे थे जब घोटाले की बात सामने आई थी। इस बार भी भर्ती कुछ दिनों बाद होनी है लेकिन विवाद अभी से शुरू हो गए हैं। एक लड़की का पत्र जारी हुआ है जो पुलिस अधीक्षक को भेजा गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ये पत्र अभी पुष्ट होना बाकी है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस पत्र के सामने आने के बाद हंगामा शुरू हो गया है। युवक कांग्रेस ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय का घेराव कर विरोध में नारेबाजी की और विश्वविद्यालय में हो रहे विवादों के खिलाफ एतराज जाहिर किया। भाई एक पत्र आया था, है ना, पत्र आया था SP के नाम, जो पुलिस अधीक्षक है उनके नाम आया था कि मुझे नौकरी के नाम पे झांसा देके और इन लोगों ने शारीरिक शोषण किया है। मुख्यली जो यहाँ पे कुलपति है इन्होंने शोषण किया है और जब इन्होंने शोषण किया है इसकी बात जानकारी जब उसने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस कह रही है गुमनाम है। ऐसा कोई होता है कि गुमनाम लेटर आया? नाम से हमारा तो वही आरोप लगाना है पुलिस प्रशासन पे भी कि वो आरोप गुमनाम नहीं है, उसमें नाम छिपाया जा रहा है और अधिकारी को बचाया जा रहा है। इस मामले में दूसरा पक्ष कुलपति का सामने आया है। कुलपति डॉक्टर प्रियव्रत शुक्ल ने कहा है कि आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय में भर्ती होनी है, इसी भर्ती पर दबाव बनाने के लिए कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये पूरी की पूरी मुझे साजिश लग रही है और इसमें मुझे ये लग रहा है कि पहले क्या होता था कि मोदी जी के पहले ये था कि तरीका क्या था उस समय, इंटरव्यू होते थे क्लास 3-4 में। अभी क्या है, मोदी जी ने आदेश दिया था कि इंटरव्यू नहीं होंगे, तो अब इंटरव्यू भी नहीं होंगे तो भ्रष्टाचार का एक जो स्कोप था वो ख़त्म हो गया। दूसरे हम लगे हैं कि व्यापम से परीक्षा कराएं, ऑनलाइन परीक्षा करवाएं, तो ऑनलाइन परीक्षा कराएंगे तो भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ना तो थैली वालों को लाभ मिलेगा इससे और ना किसी प्रकार से कोई प्रभाव से या किसी प्रकार के दबाव से। इसमें मुझे यही लग रहा है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसमें लोगों को ये लगा होगा कि इस तरह से अगर कुलपति जो है सबसे बाधा पहुँचा रहा है, इसको अगर अलग कर दिया जाए तो इसलिए मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मेरी तो समझ में यही आ रहा है इसके पीछे, और कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा। और इन लोगों का ये इतने बड़े षड्यंत्रकारी हैं कि कल को हो सकता है किसी को पैसे दे के किसी लड़की को खड़ा कर दें, कुछ कर दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी तो खैर ऐसी बात नहीं आई है, अभी तक जो स्थिति आई है वो तो अभी यह गुमनामी है और पुलिस के भी सामने वो लड़की अभी नहीं आ पाई है। पर हाँ, अगर ऐसा कुछ आता है तो जो भी जाँच होगी उसके लिए भी तैयार हूँ, उसमें जो भी जांच होगी उसमें क्या है। बहरहाल इस पत्र की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है, राजनीतिक हलचल इस मामले में शुरू हो गई है, लेकिन पुलिस भी अपने स्तर पर इस मामले की जांच कर रही है। एक शिकायत
प्राप्त हुई है जिसकी जांच कराई जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। हरपालपुर में चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। लहचुरा रोड पर रहने वाले प्रथम सिंह के घर पर चोरी हुई है। जब परिवार के लोग दोज की पूजा में घर गए हुए थे तभी ये चोरी सामने आई है। बताया गया है कि लाखों रुपए की जेवरात और नकदी के साथ साथ घर में लगी LED सहित कुछ अन्य सामग्री भी चोर लेकर रफू चक्कर हो गए। तो पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हरपालपुर में चोरी की इस वारदात के बाद एक बार फिर जिले में अपराधों के बढ़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दो दिन पहले ही लूट के मामले सामने आए थे, अब ये चोरी का मामला भी सामने आया है। मेरी कल रात को चोरी हो गई है, जिसमें से काफी कीमती सामान भी मेरे चले गए, जिसमें से लैपटॉप है मेरा, मैं ऑफिस का लैपटॉप है और LED है, और इसके बाद दो तोला की चैन है, लेडीज पायल है और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स काफी गैजेट है। घर में थे हम दोज की पूजा के दिन, हम घर गए थे। हम जब सुबह आए अपना, हमने देखा ऑफिस का टाइम हुआ, हम सुबह जब अपने यहाँ पर आए जहाँ रहते हैं यहाँ पर, हमने देखा हमारे सारे तारे टूटे हुए, और जब अंदर गए सारा सामान और सारे बैग सब बिखले पड़े हैं, हमारा फ्रिज व्रिज सब मतलब खोला हुआ डला है। तो फिर हमने देखा अपने पैसे वैसे देखे, कुछ नहीं मिला, लैपटॉप भी गायब था और हमने अपनी LCD देखी वो भी गायब थी। तो फिर हम नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अगस्त के महीने में हुई लूट और चोरियों का खुलासा एडिशनल SP जयराज कुबेर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। इस खुलासे में दो आरोपियों की गिरफ्तारी दिखाई गई है, वहीं इस पूरे मामले में चार आरोपी अभी भी फरार हैं। एडिशनल SP जयराज कुबेर ने जानकारी देते हुए बताया कि इन आरोपियों द्वारा नौगांव थाना, गुलगंज, बमीठा और सागर के अंतर्गत लूट और चोरी की घटनाओं को कारित किया जाना स्वीकार किया है। आरोपियों में मोहित पटेरिया और अज्जू उर्फ अजय यादव को गिरफ्तार किया है, वहीं चार फरार हैं। इनके पास से कट्टा और कारतूस है, सोने चांदी के जेवरात भी जब्त किए गए हैं। जिले में देखिए चार घटनाएं इनसे पेश हुई हैं, जिसमें थाना बमीड़ा क्षेत्र में एक लूट हुई थी 15 अगस्त को, वो है नौगांव क्षेत्र की एक लूट, नौगांव का 300,000 और गुलगंज थाना क्षेत्र का एक लूट है, जिसमें हमारे कुल 9 तोला सोना सकता है। ये सब नए लड़के हैं, 20 से 25 साल उम्र के लड़के हैं, अपनी आवारा जब भी बंद करेंगे, गाड़ियों के शौक, नए मोबाइल शौक की पूर्ति के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। इसमें एक ऋषभ साहू है लड़का, उसके इस तरह के शौक, उसके फेसबुक ID को जब चेक किया गया तो उसके इस तरह से व्हाइट कलर कपड़े और इस तरह से ड्रोन टाइप की परिधान पहनकर उसमें बहुत सारे अपने फोटोज पर पोस्ट किए। इन्होंने 6 लोगों ने मिलकर एक गैंग बनाया है, ये 6 लोग मिलकर ये सारी घटना को उन्होंने अंजाम दिया और भी पूछताछ की जा रही है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इसके अंतर्गत महिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन गर्ल्स कॉलेज में किया गया, जिसमें महाराजा कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में महाराजा कॉलेज की टीम विजेता हुई और गर्ल्स कॉलेज की टीम को उप विजेता घोषित किया गया। अब महाराजा कॉलेज की टीम आगामी 24 और 25 सितंबर को संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में दमोह में छतरपुर जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। शासकीय कन्या महाविद्यालय छतरपुर में जिला स्तरीय महिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के खेल कैलेंडर 2018-19 के तहत किया गया है। इसमें महाराजा कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज की दो टीमें भाग ले रही हैं। दोनों टीमों को मिलाकर एक जिले छतरपुर जिले की एक जिला स्तर की टीम बनेगी, जो आगामी 24 से 26 सितंबर दमोह में आयोजित संभागीय प्रतियोगिता में छतरपुर जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। खबर दिनभर में आप देख रहे थे दिनभर की खबरें। जिले भर की खबरों से लगातार अपडेट बने रहने के लिए देखते रहिए पेप्टिक टाइम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।